हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में डायमेंशनिंग जब करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ऑटोकैड डायमेंशन की सेटिंग्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं ऑटोकैड डायमेंशन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरा ऑटोकैड का प्लेलिस्ट है, आपने जो देखा होगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक कवर हो जाए। तो हमने उसको चेक किया तो उसमें ये था कि ऑटो के डायमेंशन का कंप्लीट क्लास नहीं था, 3D कंप्लीट क्लास है, 2D कंप्लीट क्लास है, जो दो तीन चीज़ें बची हैं। मैं पूरा का पूरा ऑटोकैड का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ जो आपको इंटरनेट पे कहीं ना मिले, सिर्फ हमारे चैनल पे मिले, ऐसा कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए एक दो रेक्टेंगल सेट कर लिए, एक सर्किल ले लिया, एक लाइन ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब मैं चल रहा हूँ इनकी डायमेंशनिंग सेट करने के लिए। तो डायमेंशन सेट करने के लिए एनोटेट पे जाइए और एनोटेट पे जाके यहाँ पे आपके पास होता है लीनियर। लीनियर क्या होता है स्ट्रेट लाइन के लिए? लीनियर लेके हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। देखो दोस्त, आपको ये डायमेंशन बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ से प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ये एरो बहुत छोटा दिख रहा है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है, राइट? और ये लाइन मुझे यहाँ से थोड़ी चाहिए, इतने डायमेंशनिंग की लाइन एक्स्ट्रा क्यों दिखाना, केवल यहाँ से यहाँ तक इनफ था ना। यहाँ पे भी ये एरो का यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन दिखाने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ यहाँ तक दिखाए डायमेंशन तो इनफ है, ठीक है? इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये एक्सटेंशन लाइन होता है और ये डायमेंशन लाइन होता है, ठीक है? तो ये जो एरो और ये चीज़ें हैं, इनको कैसे अच्छे से मॉडिफाई करेंगे, पहले तो हम लोग वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड। देखिए, ये एक टाइप है मतलब कि डायमेंशन का। आपकी जब ड्राइंग बड़ी ड्राइंग होगी तो आप 10 से 15 टाइप के डायमेंशनिंग बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे गए, अगर मैं यहाँ को उस मैनेज करेंगे, मैनेज डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस। अब देखिए, आप जब मॉडिफाई करने जाते हैं तो यहाँ पे एक न्यू भी रहता है। अगर आप खुद का अपना डायमेंशन स्टाइल बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें खुद का भी बनाना पड़ेगा, मतलब 7 से 8 प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का जो जो इलेक्ट्रिकल की पाइपलाइन होगी, उसको दिखाने के लिए आप अलग एरो यूज़ करोगे, आर्किटेक्चर के लिए अलग यूज़ करोगे, डायमेंशन के लिए अलग, तो हर एक के लिए अलग अलग टाइप का डायमेंशन स्टाइल यहाँ से न्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है? मैं एक दिन आपको अपना लाइव प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। मॉडिफाई, एंड इन मॉडिफाई फर्स्ट वन इज लाइन। आपको लाइन से मैं बताना चालू करता हूँ, लाइन में क्या रखना चाहिए। लाइन पे जाके यहाँ पे हम लोग कलर सेट करते हैं, व्हाट कलर यू वांट फॉर योर डायमेंशन। सपोज रेड, ये देखिए रेड कलर हो गया, दिस इज लाइन टाइप। लाइन टाइप मीन्स अगर आपको लाइन नॉर्मल रखनी है तो ठीक है, अदरवाइज डायमेंशन लाइन ऐसे कुछ चेंज करना है, यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर, ओके? वैसे जनरली हम लोग यही रखते हैं। लाइन ब्रेथ, लाइन की थिकनेस अगर रखनी है तो रखिए, नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं। दिस इज बेस लाइन स्पेसिंग्स, मैं आपको ये बाहर बताऊंगा व्हाट इज बेस लाइन स्पेसिंग्स। दिस इज सप्रेस, अगर इसको ऑफ कर दिया तो एक तरफ का आपका ये देखिए डायमेंशन लाइन ऑफ हो जाएगा, दूसरी तरफ अगर कर दिया तो दूसरी तरफ भी। अब केवल क्या आएगा, अब केवल आपका, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखता रहे, हम लोग ऑटोकैड का कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं। नॉट ओनली ऑटोकैड, स्टैड प्रो, रैबिट, 3ds मैक्स, टेक्ला, गूगल स्केचअप, सबका कंप्लीट बना रहा हूँ। बट यार थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काम भी रहता है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं कंप्लीट बनाऊंगा। यहाँ पे जैसे डायमेंशन को ऑफ किया, ऑन किया, ये देखिए डायमेंशन को ऑन किया, देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है? ये होता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन मतलब ये लाइन, दिस लाइन। इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ एक्सटेंशन लाइन, सपोज यू वांट सैन कलर, यू कैन चेंज लाइक दिस। सेम लाइन टाइप वही लोड करना है, यहाँ से अदर करके लोड कर लो। लाइन टाइप टू दूसरे डायरेक्शन का, मतलब एक लाइन टाइप वन, लाइन टाइप टू। उसके बाद लाइन वेथ, लाइन का थिकनेस, और इसको अगर ऑफ करना है एक्सटेंशन लाइन को,
एक्सटेंशन लाइन वन, एक्सटेंशन लाइन टू, इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब ये देखिए लिखा हो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ठीक है, मीन्स फ्रॉम दिस एरो टू दिस डिस्टेंस, दिस एरो टू दिस डिस्टेंस, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर लाइक दिस। अब ध्यान से देखते रहना ऊपर आपका एरो में, देखिए दिख रहा है आपको, ये आपकी लाइन बढ़ रही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने इसको डिक्रीज कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स दिस पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना चाहिए, कम करना है कम कर दीजिए, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर दीजिए, थोड़ी सी गैपिंग है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम करना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा कम कर दूँ। ओके यहाँ पे होता है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, मैं इसको यूज करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए तुरंत क्या हो गया, आपका डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, और ऊपर वाला भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो मैं ये डायमेंशन स्टाइल फॉलो करता हूँ। ओके तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये नहीं अभी चाहिए तो अभी बंद कर दीजिए, बाद में जब चाहिए होगा तो आप यहाँ पर आके ओपन कर लीजिए। फिर सिंबल लाइन एरोस पे आइए और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ढेर सारे टाइप्स के एरो टिक्स हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आर्किटेक्चर का वर्क कर रहे हैं तो आप आर्किटेक्चर टिक ले लीजिए, ऐसे अगर आप क्लोज फील्ड ले रहे हैं तो क्लोज फील्ड ले लीजिए, हॉलो ले रहे हैं तो हॉलो ले लीजिए, मीन्स इस तरीके से। तो आप जिस तरीके का आपको टिक आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेट चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने ले लिया क्लोज फील्ड। अभी यहाँ पर लिखा हुआ एरो साइज, ये देखिए आपका एरो का साइज है ये, ठीक है। तो एरो का साइज अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कितना रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेंटर मार्क, सेंटर मार्क प्लस का एरो बना हुआ है, अगर आपको उसको छोटा या बड़ा करना है, मान लीजिए नहीं रखना है तो नॉन कर दीजिए, ऐसे रखना है ऐसे लाइन कर देंगे तो इस तरीके से बड़ा लाइन आ जाएगा। ओके अभी हमने इसको कर दिया मान लीजिए वन, और मान नहीं एक्चुअली अच्छा स्टैंडर्ड साइज वन होता है, लेकिन जब वन करेंगे तो उसके साथ ही साथ उसके टेक्स्ट का भी साइज बढ़ाना चाहिए। अभी मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। ये होता है ब्रेक साइज, ब्रेक साइज मीन्स एक डायमेंशन गया और एक डायमेंशन ऐसे गया, तो उनके बीच में जो ब्रेक हुआ उनकी साइज, उनके बीच में गैपिंग कितना रखना चाहते हो आप, तो इसमें लिखा हुआ 1250 है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं इसको बाहर दिखाऊंगा आपको कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है ये। अब आइए टेक्स्ट पे, टेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड रखना है तो स्टैंडर्ड रख सकते हैं, एनोटेटिव रखना है तो एनोटेटिव। डिफरेंस आप पूछेंगे तो डिफरेंस ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड रखा तो यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बट अगर आपने यहाँ पे एनोटेट रख दिया तो इसको आप कम, स्केल यहाँ पर होती है, कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, मीन्स टेक्स्ट छोटा टेक्स्ट बड़ा लाइक दिस। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का कलर जो भी चाहिए, मान लीजिए ग्रीन कलर चाहिए ग्रीन कलर कर दीजिए। फिल कलर, फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर होता है, अगर इसको आपको रेड रखना है तो रख दीजिए, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको फिर से नॉन पे ही रखेंगे और इसको भी बाई लेयर पे ही रखेंगे। ओके टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट अगर टेक्स्ट एरो वन रखा है तो हाइट भी आपको वन रखना चाहिए, तो आपको ये प्रॉपर दिखेगा, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर होता है ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, अगर अपने वर्ड के चारों तरफ रखना चाहते हो कुछ लाइक रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट, टेक्स्ट प्लेसमेंट में आप टेक्स्ट आप चाहो तो एबव रख सकते हो, मतलब ऊपर, इसको मैंने बंद कर दिया। एट एक्सटेंशन लाइन वन इधर की ओर, एट एक्सटेंशन लाइन टू उधर की ओर हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन लाइन ये देखिए बाहर। तो इस तरीके से आपको वैसे सेंटर रखना है तो आप चेक कर लीजिएगा। व्यू डायरेक्शन मतलब आप देखो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट देख रहे हो, अगर आपने राइट टू लेफ्ट कर दिया तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या रखेंगे, लेफ्ट टू राइट। ओके ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन मीन्स इसको सेंटर कर दीजिएगा। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन मीन्स वर्ड जो है और ये जो लाइन है इनके बीच में गैपिंग है, वो गैपिंग कितना रखना चाहते हो आप, तो वो गैपिंग हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। ओके टेस्ट अलाइनमेंट, अभी क्या है हॉरिजॉन्टल है, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो देखिए आपका एरो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने आईएसओ स्टैंडर्ड कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड तो इस तरीके से हो जाएगा, तो हमने इसको आईएसओ स्टैंडर्ड ही रखा। फिर हम फिट, फिट में क्या होता है, फिट में बताया जाता है कि हमको टेस्ट मतलब प्रीफ्रेंस किसको देना है, तो जनरली हम लोग बाई डिफॉल्ट प्रीफ्रेंस इसको देते हैं, आइदर टेस्ट और एरोस बेस्ट फिट। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग टेस्ट को प्रीफर देना चाहेंगे क्योंकि हमको टेस्ट पता है जगह बचती तो एरो लगा दो, बट अगर आपने केवल टेस्ट को दिया है तो देखिए टेस्ट कहाँ पे है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एरो बच ही नहीं रहा है, और कोई भी लेंगे तो आपको उतनी अच्छी सेटिंग नहीं मिलेगी, सो इज बेटर। ये देखिए यहाँ पे आपका टेस्ट क्या हो गया, अंदर की ओर कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, आइदर टेस्ट और एरोस बेस्ट फिट, ये सबसे बेस्ट होता है।
इसके बाद होता है प्राइमरी यूनिट। यहाँ पर आप यूनिट सेट करते हो कि हमको किस यूनिट में चाहिए, कभी डेसिमल में चाहिए होगा, कभी जब सिविल का काम कर रहे हो तो आर्किटेक्चर में चाहिए होगा, कभी आपको क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल में चाहिए था 2 बाई 3, 2 बाई 4 ऐसे डायमेंशन, कभी आपको डेसिमल में। अगर हमने डेसिमल में रखा है तो यहाँ पे प्रेसीजन होता है, मतलब पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए आपको, पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए। तो सपोज मैं चाहिए 3 जीरो, तो अब 3 जीरो कर देंगे तो 3 डिजिट तक ही वैल्यू बताएगा। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ से पहले ये देख लीजिए ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 पॉइंट, पॉइंट मतलब पीरियड, अगर कॉमा कर दिया तो 5 कॉमा, अगर स्पेस दे दिया तो 5 सॉरी स्पेस दे दिया तो 5 स्पेस 6 4 4, इस तरीके से हो जाता है। बट बेटर होता है कि आप पीरियड लीजिए तो इसमें पॉइंट आता रहेगा। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ मीन्स आपको आपका डिस्टेंस जो है 99.9 है, ओके, और आप उसको 100 शो करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप 0.1 का क्या कर दो, राउंड ऑफ लगा दोगे तो वो 1 शो करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, डायमेंशन से पहले कुछ लिखना है तो दैट इज प्रीफिक्स। आपको मैं कुछ दिखा भी देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम आकाश है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और ये सफिक्स है तो मैं डायमेंशन के बाद भी लिख देता हूँ लाइक दिस। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि बहुत देर से सेटिंग कर रहे हैं बट अभी आपने कुछ देखा नहीं। क्लोज, देखिए आकाश 110 PANDY, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए एरो भी अच्छे से दिखने लगा और ये भी अच्छे से दिख रहा है और ये भी, राइट। अब अगर आपको इंक्रीज करना है ये और ज़्यादा मतलब अच्छे से दिखे, तो आप इसको भी 1.5 कर दीजिए और टेक्स्ट को भी और एरो को भी 1.5, और भी अच्छे से आपको क्लियर दिखने लगेगा। मैक्सिमम 3 तक रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपका डायमेंशन। और इसके बाद ये हमने हटा दिया इसको यहाँ से और इसको भी हटा दिया हमने यहाँ से। स्केल फैक्टर 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 5 mm की लाइन को 5 mm ही दिखाना है तो स्केल फैक्टर 1 होना चाहिए, बट अगर 5 mm की लाइन को आपको 25 mm दिखाना है तो स्केल फैक्टर आपको 5 रखना चाहिए। उससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा स्केल में। अगर मान लीजिए आपके पास मतलब कि 100 मीटर की रोड है, 100 मीटर की रोड है, आप उसको दिखाना चाहते हो 1000 मीटर, तो उसको 10 स्केल दे दो तो क्या दिखाएगा, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्केल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्केल फैक्टर का ध्यान रखिए और यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तभी अच्छे से आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट यूनिट मतलब आपको 2 यूनिट चाहिए, मतलब फीट में भी चाहिए, इंचेस में भी चाहिए, या मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में भी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो आपने जैसे इसको ऑन करोगे तुरंत यहाँ पे देखोगे, ये देखो अब यहाँ पे आप माउस रखोगे तो आप पढ़ भी सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्पेसिफाई द मल्टीप्लायर यूज्ड एज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन अल्टरनेट यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट इंचेस टू मिलीमीटर, इसमें मेरा इंचेस टू मिलीमीटर कन्वर्ट कर रहा है, इंटर 25.4 द वैल्यू हैज इफेक्ट ऑन द एंगुलर डायमेंशन। 25.4 ये कन्वर्टर है किसके लिए, इंचेस टू मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए। जैसे क्या होता है ना लाइक मिलीमीटर टू मीटर, तो क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंचेस टू मिलीमीटर आप यहाँ पर डाल देंगे जो भी यूनिट, आपको 2 यूनिट में आपका डायमेंशन दिखने लगेगा, ओके। और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स होता है एरर, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिविल के लिए नहीं, मैकेनिकल के लिए ज़्यादा यूज होता है और सिविल में भी यूज होता है जब पाइल फाउंडेशन वगैरह करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं इसको, इसके एक्चुअली 4 टाइप हैं, सिमेट्रिकल, डेविएशन, लिमिट, बेसिक्स। सिमेट्रिकल मीन्स अगर आप बताना चाहते हो कि जो आपका डायमेंशन है वो डायमेंशन, जैसे कि मतलब जैसे कि मैं अगर बात करूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल की, तो आप अगर बॉटल का ढक्कन बनाए हो तो बॉटल के ढक्कन में आप बनाते टाइम कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस होगा, तो उस टॉलरेंस को मान लीजिए हमने दे दिया 0.05, क्या दे दिया हमने 0.05, ये मैंने अपर वैल्यू दिया। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है कि अपर और लोअर दोनों वैल्यू यही ले लेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने डाल दिया 0.05, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, और हमने ओके कर दिया, क्लोज, सेट करेंट, क्लोज। अब देखिए ये आपके वैल्यू है और यहाँ पे क्या आ गया 0.05, मतलब अब आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा है कि अगर आप इस ढक्कन को अगर मशीन बना सकती है तो 0.05 डायमेंशन आगे पीछे भी कर सकती है, तो अगर इतने कंफर्टेबल होकर बना रही है तो बना सकती है। तो ये सबसे अच्छा टॉलरेंस कर सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों एक ही है। बट अगर आप और आगे जाएंगे टॉलरेंस में जैसे कि डेविएशन, तो इसमें क्या होता है प्लस की वैल्यू आपको अलग देनी है, माइनस की वैल्यू अलग देने वाली, जो माइनस कम दे 0.2 मीन्स कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो चलेगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओके। नाउ लास्ट सेकेंड है यहाँ पे
लिमिट्स, लिमिट्स में क्या होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू दो, सेकंड लिमिट दो, इसको हम बोलते हैं लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको अगर प्रैक्टिकल घर का एग्जांपल बताऊं तो अगर आपको 5 रोटी खानी है, ठीक है, तो मैंने आपको 5 नहीं दिया, या तो 4 दे दिया या तो 6 दे दिया, अब आप इसके बीच में ले लेंगे, कुछ इसी तरीके से आपका लिमिट होता है। मेन वैल्यू नहीं देना है, अपर देना है, लोअर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक्स। बेसिक्स मीन्स एग्जैक्ट जो डायमेंशन आपके पास है वही डायमेंशन हमको लगाना है, एग्जैक्ट मतलब जो हमको बोला गया वही डायमेंशन। तो ये सबसे अच्छा होता है, ये जब सबसे अच्छी मशीनें होती हैं उनके लिए ये यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। पाइलिंग में कौन सा यूज़ करते हैं? पाइलिंग में सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि पाइलिंग जब करते हैं तो डायरेक्ट अगर उसमें पाइल करेंगे ज़मीन में तो खुदाई नहीं होगी ना उसके अच्छे से, पर टोलेस डाल दोगे तो उसकी मशीन क्या करेगा, अगल बगल से भी खुदाई करेगा, तो जल्दी जल्दी से खुदाई हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। चलिए, इसके बाद ओके किया इसको और यहाँ पे हमने सेट करेंट करके क्लोज कर दिया, डन। तो ये रहा हमारा डायमेंशन का सेटिंग। अभी कुछ कमांड्स इसमें बची हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है ब्रेक। ब्रेक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमने यहाँ से हमने एक लाइन लिया लीनियर फ्रॉम हियर टू हियर। मैं आज डायमेंशन क्लास ख़त्म कर देता हूँ, आपके पूरे चैनल पे पूरा का पूरा डायमेंशन मिल जाएगा अभी। और इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था ब्रेक लाइन, ब्रेक साइज, वही ब्रेक साइज है। क्योंकि देखिए एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को ब्रेक कर रहा है, ये गलत है रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको हमको तोड़ना पड़ता है। तो ब्रेक कमांड लेंगे, फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन, जैसे क्लिक करेंगे देखिए गैपिंग आ गया। तो ये गैपिंग जो होता है हमेशा फर्स्ट वाला ही गैपिंग देता है, जो खड़ा रहेगा वही तो साइड देगा ना, तो इसी को पहले क्लिक करना चाहिए फिर इसको क्लिक करना चाहिए। तो ये ब्रेक साइज अगर कम ज़्यादा करना है, अभी सेटिंग में दिखाया था, आप वहाँ से जाके कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। एडजस्ट स्पेस मैंने बताया हुआ है, आप देख लेना पार्ट वन में। डायमेंशन जिगजैग, ये क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपके पास कोई एक लाइन है, ठीक है, दिस इज यू वांट टू प्रेजेंट दिस लाइन 100 मीटर, और अभी कितना है ये? 39 है। इस पर हमने डबल क्लिक किया और इसके बाद हमने इसको कर दिया 100, ओके, किलोमीटर सपोज। क्योंकि अभी जो रोड दिखाना है, रोड 100 किलोमीटर का कैसे दिखाओगे? 100 किलोमीटर की लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करिए और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन जिगजैग लेंगे, और ये लेने के बाद क्लिक करिए कहीं पे भी, और किस डायरेक्शन में, मैंने बोला इस डायरेक्शन में, ये जब एरो लग जाता है तो इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है, ये जो डायमेंशन है, ये 100 किलोमीटर का है नहीं, इसको 100 किलोमीटर का एज्यूम किया गया है, इसलिए इसको 100 का यहाँ पर डायमेंशन जिगजैग लगाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके टूल्स थे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल्स है आइसोमेट्रिक में, जिसने आइसोमेट्रिक सीरीज पढ़ा होगा, मैंने भी पूरा बताया हुआ है, या कहीं से भी पढ़ा होगा अगर, तो उन गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो यहाँ से सपोज मैं आइसोमेट्रिक यहाँ से ऑन किया, ठीक है, आइसोमेट्रिक यहाँ से ऑन कर दिया, और उसके बाद मैंने देखिए एरो बदल गया आइसोमेट्रिक का, मैंने आइसोमेट्रिक में कुछ बनाया, इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करिएगा। आपको अगर लगता है कि मुझे पर्सनल पढ़ना है सर से, या कुछ और ज़्यादा डीप में समझना है, तो भी आपका नेट लाइक नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके प्रॉब्लम रहेंगे डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। चलिए, तो यहाँ पे हम जैसे इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और अलाइन तो लेते हैं, अलाइन मतलब टेढ़ी लाइन होती है ना, फर्स्ट पॉइंट देते हैं और सेकेंड पॉइंट देते हैं ये। बट आपको ये नहीं पता है कि ये चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग गलत है। क्या आपका लाइन क्या बोल रहा है? स्ट्रेट जाओ, और ये क्या बोल रहा है? इधर जाओ। तो इसका एरो जो है ये गलत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद एनोटेट में आके यहाँ पे कमांड होती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू कमांड, इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ करके क्लिक करिए फिर जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन चेंज करना है, एफ फंक्शन F5 होता है इसका की, ये देखिए करेक्ट हो गया। देखिए अभी प्रॉपर बताना है ना एरो, ठीक है। आपको अगर ये परफेक्ट देखना है, मतलब कि एरो और टेस्ट परफेक्ट साइज में कंप्लीट देखना है, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर मॉडिफाई करिए, और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके इसको 3 कर दीजिएगा, और एरो पे जाके इसको 3 कर दीजिएगा। आपको हमेशा एग्जैक्ट दिखेगा, कितना भी बड़ा डायमेंशन हो प्रॉपर दिखेगा आपको, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एरो साइज आपको लगाना आना चाहिए। फिर से बताता हूँ, अभी हम लोग यहाँ गए थे, यहाँ से जाके अलाइन, और अलाइन पे जाके फर्स्ट सेकेंड किया बट गलत है, सेलेक्ट किया, और डायमेंशन पे जाके ऑब्लिक्यू डायरेक्शन, यस ये परफेक्ट है, समझ आया?
तो इस तरीके से ऑब्लिक क्यू कमांड बहुत इंटरव्यू में पूछते हैं, आप इनको पढ़ के जाइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो नीचे यार कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि सर अच्छा है और भी बनाइए। डेफिनेटली यार जब आप पढ़ोगे लाइक कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वीडियो लॉन्ग होता है, इसलिए कोशिश किया करो कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट उसमें आपको मिल जाए जो आपको नहीं पता हो और आपको नया मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइड्स। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।